नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल जिला की 4 विधानसभा सीटों पर मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। यह कार्य आज 8 बजे से शुरू हो गया था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना हुई। आपको बता दें कि कैथल विधानसभा सीट के लिए भाजपा के लीलाराम और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दी। भाजपा के लीलाराम में कुछ बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके पश्चात में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई राउंड तक बढ़त बनाते नजर आए, लेकिन आखिरकार में भाजपा के लीलाराम ने सुरजेवाला को 567 वोटों से हरा दिया। हार का जानकारी मिलने के तुरंत बाद कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला मतगणना के बाद में वहां से खड़े हो गए और उन्होंने विजयी उम्मीदवार लीलाराम को हाथ मिला करके उनको बधाई दी, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी थी। मतगणना के बाहर जाने के बाद में समर्थकों ने भी उनका मायूसी से स्वागत किया। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुरजेवाला मतगणना केंद्र के बाद में तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भाजपा के विजयी उम्मीदवार लीलाराम मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि जनता की नहीं बल्कि एक एक युवा की जीत हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कैथल का जनता का आभार व्यक्त भी किया। वहीं कार्यालय से भाजपा के कमलेश ढांडा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को 7378 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा पुंडरी विधानसभा सीट से भाजपा के बागी नेता एवं आज़ाद उम्मीदवार रणधीर गोलन ने कांग्रेस के सतवीर भाणा को 13,284 मतों से हराया। रणधीर गोलन पिछले 3 विधानसभा चुनाव से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जिला की चौथी गोला सुरक्षित सीट पर जेजेपी के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ने कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलूराम को 3,114 वोटों से हरा दिया। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। तो खत्म हो गया जी, अभी नहीं डिक्लेयर नहीं हुआ। प्लीज थोड़ा शोर तो लेने दो, मैं कांग्रेस की बात है ना, बाहर ले आता हूं। शोर तो लेने दो इनको। अरे यार आगे हट जा प्लीज, एक मिनट रुको। आप एक आप जो भी सुन रहे हैं काउंटर सेंटर से बाहर आ जाए। Thank you.
जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, कैथल वासियों की, पूरे कैथल हलके के लोगों की जीत है। मैं लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करूँगा और उनको हर दुख सुख में उनका सहयोगी बनकर के काम करूँगा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के तहत। किस तरह कैथल के 2,03,000 वोटर ने किया और उन्होंने साबित कर दिया जब वोटर जब जनता इकट्ठी हो जाती है बड़े से बड़े आदमी को भी धराशायी कर सकती है। क्या ऐसा कारण रहे कि जनता आपके समर्थन में आई? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य असेंबली माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले बिल्कुल बिल्कुल लीलाराम गुर्जर जी विकास कार्य लाइव ऑडियो देख रहे हैं। लीलाराम गुर्जर जी